Hey guys, good morning. Welcome to my blog. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपका ये यूके भाई भी स्वस्थ है और मस्त है। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं बच चुके हैं अभी के 10। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का ये ब्लॉग जो शूट होने वाला है वो धूमाकोट के अंदर जो नानी डंडा आता है वहाँ शूट होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाने लायक। तो बने रहिए दोस्तों इस ब्लॉग में, आपको आगे का जो नजारा है वो मैं कुछ ही देर में दिखाता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, जो हमारे पहाड़ों में और गढ़वाली भाषा में बारासिंगा बोलते हैं जिसको, जड़िया वो है, जंगली है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जानवर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, अब आराम आराम से वो जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे चढ़ाई रास्ता टाइप का, ये रास्ता नहीं है, रोड है। यहाँ पे 4x4 जिप्सी चलती हैं, क्योंकि ऊपर 4-5 रिजॉर्ट्स हैं और वो रिजॉर्ट जो है गांव के बीचों बीच बने हुए हैं। साइड से गांव है और उसके बीच में रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो मैं अभी तक नहीं गया, बट मैं कोशिश करूंगा वहां पे भी जाने की, मगर अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा हो रहा है लेट, क्योंकि बादल लगे हुए हैं, आज मौसम भी ख़राब है। आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, तो बारिश की संभावना है, मगर ये शॉर्ट ही दे रहा हूँ। हेलो सर, ये हमारे पंडित जी आ गए हैं और काफ़ी लोगों का भला किया इन्होंने शादी करा के। तो हाँ, और आज पंडित जी दौड़ कहाँ हो रही है आपकी? रामनगर। चलिए, ओम नमः शिवाय। तो पंडित जी जा रहे हैं और बहुत लोगों का भला किया इन्होंने शादी करके, खुश हैं बेचारे सभी लोग। ये देखिए दोस्तों, अभी ये देखिए गाड़ी कैसे जाएगी, क्योंकि ये भी 4x4 ही है और बहुत बहुत मतलब चढ़ाई है ना। हमारी जैसे मेरी गाड़ी तो नहीं जा पाएगी। ये देखिए, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट। ये देखिए, अब यहां से लगेगा, अब शायद ये पता नहीं ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, मुझे लग रहा है जाएगी। ये देखिए, मगर गाइस ऊपर जाके कुछ अलग ही नजारा है, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। आप कभी भी आएंगे तो जरूर इस चीज का फायदा उठाना, यहां से ऊपर, मतलब ये जो लाइन जा रही है, ये वाली रोड, ये आगे गढ़वाल के लिए जा रही है और यहाँ से ही हमारे कुमाऊं में कट हो जाएगी। आगे चिमटा खाल है वहां से, और ये मंदिर यहाँ से ऊपर ये है लगभग 2 किलोमीटर। बहुत सुंदर सा गांव है, छोटा गांव है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और उसी के बीच में 2-3-4 रिजॉर्ट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और गेस्ट बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि गांव के बीच में जो रिजॉर्ट हैं और फिर कुछ लोकल लैंग्वेज उन सीखने को मिल जाती है उनको वहाँ पे। तो हेलो, एक और हमारे मित्र मिल चुके हैं, बल्लू अपना भाई, आज ये भी रामनगर को प्रस्थान कर रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, सभी लोग मिल रहे हैं। तो गाइज, इन घनघोर जंगल के बीच में एक बहुत खूबसूरत सी नदी देखी मैंने, जिसको माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, बने रहिए आप। और ये देखिए, नदी से तो जनाब मुझे बहुत ही प्यार है, जहां कहीं भी दिखती है रुक जाता हूं इनको शूट करने के लिए।
और एक नॉर्मल सा फोन है मेरे पास, मगर इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया शूट करूंगा आपके सपोर्ट और आपके प्यार से। भाई हर चीज को पॉसिबल करने की कोशिश करेगा। ये देखिए, पहाड़ों को ठंडो पानी, आहा क्या बात है दोस्तों। आवाज सुनिए आप, आवाज इस छिलछिलाते हुए पानी की। ओहो हो हो हो। और ये देखिए एकदम ठंडा पानी, क्या बात है क्या बात है। दोस्तों सच में बताना कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जहां से हो उस जगह का नाम बताना, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियो अपनी इन पहाड़ों की जो पवित्र नदियां हैं उनको मैं दिखा पाऊं। मन तो नहाने का भी कर रहा है मगर नहा नहीं सकता, क्योंकि अगर अभी नहा लिया और ऊपर हवा चल गई तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा पूरा। तो दोस्तों पानी की भी प्यास लगी। अरे मैं गिर गया था। दोस्तों क्या मीठा पानी और क्या ठंडा, पी के मजा आ गया दोस्तों। तो आप भी आइए कभी इन खूबसूरती नदियों का पानी पीजिए, मानो कि अमृत है अमृत। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूं जी चाहता है यहीं का ही हो जाऊं। तो दोस्तों सच में ऐसा लगता है कि इन वादियों में खो जाऊं और बस घूमता रहूं। तो दोस्तों आपसे बस यही निवेदन है कि इस भाई को आप अपना ढेर सारा प्यार दें, जिससे कि ये आपका भाई आपको इन पहाड़ों की हर वो चीज दिखा पाए। अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं रोड से कितना नीचे आया हूँ इसको शूट करने के लिए, ये मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाता रहूँ। तो दोस्तों बने रहिए और आगे भी अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। एक और खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है मुझे, वो भी आपको शूट करके दिखाना है। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस यूके भाई के साथ। मैं आपको अब जो दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत सा गांव, और छोटे छोटे मकान होते हैं यहाँ पे, वो भी जो झोपड़ी वाली स्टाइल होती है गांव की उस तरह के। बहुत ही अच्छा लगा मुझे नदी के किनारे एकदम। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से हैं, और बगल बगल में एक नदी बह रही है, हरे भरे खेत। मेरा बहुत मन करता है ऐसी जगहों पे मतलब रहा जाए। और देख लो कितने मतलब ये जो गांव है ये पूरा कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर पीछे कुछ मकान ऐसे भी बने हैं जो लेंटर वाले, जिन जो आजकल के मॉडर्न जमाने के होते हैं।
का व्यू। मजा आ गया। गाइस अब समय हो गया है इजाजत लेने का, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ अगर पसंद आती है तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इस भाई को। अभी तक जैसा आपने प्यार दिया है ऐसा ही प्यार बनाए रखें। तो गाइस फिर मिलता हूँ किसी नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तो अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो गाइस बाय, टेक केयर, जहाँ रहें खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। बाय।